आप सभी का आपके अपने चैनल की 90's में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं लेकर के आया हूँ B.Sc. का सेकंड पार्ट, जिसमें आप लोगों को पहले क्वेश्चन कराए गए थे क्वेश्चन नंबर 12 तक। अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 13 से आगे के क्वेश्चन हल कराऊंगा। देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन है कि कोलोनियल स्वेनोसिटिक सेवाल का नाम होता है, तो इसमें आंसर हो जाएगा हाइड्रोडिक्टियन। अगला है, आधुनिक शैवाल विज्ञान के पिता किन्हें कहा जाता है, तो ये इसमें क्या हो जाएगा, आयंगर, ओपी आयंगर। ठीक, अगला है कि बालवाक्स एवं कारा है, बालवाक्स एवं कारा क्या है, तो क्या हो जाएगा इसमें, स्वच्छ जल शैवाल। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि लाइकेन जो चट्टानों पर उगते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो जो लाइकेन चट्टानों पर उगते हैं उन्हें हम कहते हैं कार्टिकोलस। ठीक, अगला है, लाइकेन का कवक है, ठीक है ना, तो लाइकेन का कवक क्या होता है, सहजीवी होता है। अगला क्या हो जाएगा, लिटमस प्राप्त किया जाता है, तो लिटमस लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा लाइकेन सौंदर्य प्रसाधन में प्रयोग किया जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा रेम लाइना। लाइकेन जो चट्टानों पर पुताई की तरह दिखाई पड़ती है उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं क्रस्टोज। ठीक, अगला प्रश्न है कि विशाल शैवाल जो समुद्री खरपतवार का निर्माण करता है पाया जाता है, तो किस में पाया जाता है, रोडोफाइसी में पाया जाता है। एक शैवाल जो बर्फ पर उगता है उसे कहते हैं, ठीक है ना, उसे क्या कहते हैं, क्रायोफिटिक कहते हैं। अगला प्रश्न है कि सहजीवी संबंधित है, जो सहजीवी है वह संबंधित है, वह लाइकेन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, शैवाल है, ठीक है, शैवाल होता है हमारा थैलोफाइटा। ठीक है, अगला शैवाल, सॉरी लाल शैवाल जिसका रंग लाल नहीं होता है वह क्या होता है, ठीक है ना, तो इसमें आंसर अभी कोई कंफर्म नहीं है। अगला देख लेते हैं, जैव उर्वरक होते हैं, ठीक है ना, तो जैव उर्वरक क्या होते हैं, नीली हरी शैवाल होते हैं। ठीक है, आगे क्या हो जाएगा, नंबर 27 है कि ग्लोबुल एवं निक्यूल लैंगिक अंग होते हैं, तो ग्लोब्यूल एवं निक्यूल जो हमारे लैंगिक अंग होते हैं वह कैरा के लैंगिक अंग होते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा कि हाइपनोस्पोर निम्नलिखित में किस शैवाल में विकसित होता है, तो हाइपनोस्पोर जो होता है वह वाउचीरिया में विकसित होता है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि यूनिलॉकुलर एवं प्लूरिलॉकुलर स्पोरेंजिया किसमें पाए जाते हैं, तो इसमें आंसर हो जाएगा एक्टोकार्पस में ये दोनों पाए जाते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा कि कैप कोशिकाएं पाई जाती हैं, उत्तर उडोगोनियम में कैप कोशिकाएं पाई जाती है। प्रश्न है, हेटरोसिस पाया जाता है, तो हेटरोसिस वाउचीरिया में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, नील हरित शैवाल की कोशिका भित्ति बनी होती है, तो नील हरित शैवाल की कोशिका भित्ति सेल्युलोज और मेकोपेप्टाइड दोनों की बनी होती है। अगला प्रश्न है, किस ब्रायोफाइट में सीटा मेरिस्टमेटिक ऊतक से प्रदर्शित होती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा एंथोसिरास। ठीक है, अगला प्रश्न है कि एंथोसिरास में एस्पोरोजिनेस ऊतक प्राप्त किया जाता है, तो उत्तर हो जाएगा गैमेटोफिटिक ऊतक से। अगला प्रश्न है कि आरंभिक ब्रायोफाइट्स का सदस्य है, तो उत्तर हो जाएगा रिक्सिया। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला क्या है कि
एस आर कश्यप प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, प्रसिद्ध भारतीय थे, किसके लिए प्रसिद्ध थे, तो ये हो जाएगा ब्रायोलॉजिस्ट, ठीक है ना। अगला है रोडोफाइसी के अचलन नर युग्मक को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, स्पर्मेसियम कहते हैं। अगला संघीय थैलस पाया जाता है, तो संघीय थैलस जो होता है वह वालवक्स में पाया जाता है। अगला प्रश्न कौन से शैवाल खाने योग्य उच्च प्रोटीन के स्रोत हैं, तो उत्तर हो जाएगा क्लोरेला और स्पाइरोलाइना हो जाएगा। अगला है कि जल स्फुटन का कारण होते हैं, जल स्फुटन का कारण होते हैं, तो उत्तर हो जाएगा नीलीहरी शैवाल। अगला प्रश्न है कि लाइकेन मुख्यतः प्रदूषक के सूचक होते हैं, तो क्या हो जाएगा NO2। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सा शैवाल समूह सर्वाधिक विकसित होता है, तो क्या हो जाएगा क्लोरोफाइटा। वाटर नेट कॉमन नाम है, किसका कॉमन नाम है, हाइड्रोडिक्टियन का। कैरा कहलाता है, क्या कहलाता है, स्टोन वर्ड्स कारा कहलाता है। आगे क्या हो जाएगा एक्टोकार्पस के अगुणित चल बीजाणु बनाते हैं, क्या बनाते हैं, बोथ, इनमें से दोनों, जो भी ऊपर लिखा हुआ है इनमें से दोनों बनाते हैं। अगला क्या हो जाएगा कि पॉलीसाइफोनिया में कार्पोस्पोरोफाइट होता है, क्या होता है, द्विगुणित होता है। अगला क्या हो जाएगा ब्रायोफाइटा की मुख्य पादप शरीर होती है, क्या होती है, गैमेटोफाइट होती है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि लीवर वर्ट्स अंतर्गत होते हैं, किसके अंतर्गत आते हैं, तो हो जाएगा ब्रायोफाइटा। अगला प्रश्न है कि ब्रायोफाइटा उगने के लिए चयन करते हैं, किसका चयन करते हैं, तो हो जाएगा नम और छायादार स्थान का चयन करते हैं। अगला है कि असत्य एटेलर्स पाए जाते हैं, तो असत्य एटेलर्स मार्केंसिल्स में पाए जाते हैं। अगला है एंथ्रोजॉइड में रूपांतरित होने वाली कोशिका का नाम क्या है, तो ये सभी कोशिकाएं एंथ्रोजॉइड में रूपांतरित हो जाती हैं। अगला प्रश्न है कि बैरल के आकार के वायुकोश पाए जाते हैं, तो मार्केंसिया में बैरल के आकार के वायुकोश पाए जाते हैं। अगला मार्केंसिया में स्त्री जनन अंग उत्पन्न होते हैं, तो मार्केंसिया में स्त्री जनन अंग होते हैं वो आर्किगोनियोफोर पर उत्पन्न होते हैं। अगला है कि मार्केंसिया में कैलेप्ट्रा पाया जाता है, तो कैलेप्ट्रा जो होता है स्पोरोफाइट में पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि थैलस में एंडोफिटिक शैवाल उपस्थित रहता है, किसमें हो जाएगा, एंथोफिरास में, ठीक है। अगला प्रश्न अगला है कि हार्नवॉर्ट कॉमन नाम होता है, तो किसका हो जाएगा, एंथोसिरास का हार्नवॉर्ट कॉमन नाम होता है। अगला प्रश्न है कि एंथोसिरास में विभाज्योतक पाए जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, एस्पोरोगोनियम के आधार पर तथा फूट के ऊपर इसमें पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला है एंथोसिरास में एस्पोरोजीनस ऊतक किससे उत्पन्न होते हैं, तो इसमें हो जाएगा गैमेटोफिटिक ऊतक से उत्पन्न होते हैं। अगला प्रश्न है कि एपोफाइसिस है, एपोफाइसिस क्या होता है, तो हो जाएगा उत्तर प्रोटोनीमा का भाग होता है। अगला हो जाएगा पोगनेटम में स्पोर्स का बिखराव किसके गति द्वारा नियंत्रित होता है, तो उत्तर हो जाएगा एपिफ्राग्म के द्वारा नियंत्रित होता है। अगला प्रश्न है कि बेंटर भाग होता है, बेंटर भाग होता है स्त्री धानी का, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है कि साधारण धागे नुमा अशाखित शैवाल है, तो साधारण धागे नुमा अशाखित शैवाल होती है उडोगोनियम। अगला प्रश्न है हिट्रोट्रोकस थैलस का उदाहरण है, तो उत्तर हो जाएगा एक्टोकार्पस, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रोकैरियोटिक कोशिकीय संरचना
पाई जाती है तो क्या हो जाएगा, साइनोफाइसी में प्रोकैरियोटिक कोशिकीय संरचना पाई जाती है। अगला उत्तर प्रश्न हो जाएगा कि फाइकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, उत्तर हो जाएगा शैवालों का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है कि लाइकेन में जनन अंग होता है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि लाइकेन में नर जननांग होता है, तो भी इसमें से कोई भी नहीं होता है। अगला प्रश्न है कि अंशिया असनिया है, असनिया क्या होती है, तो क्या प्रूटिकोज लाइकेन होती है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, अगला प्रश्न है कि गैडू को प्रक्रिया पाई जाती है, उत्तर हो जाएगा साइटोनीमा में, ठीक है। अगला प्रश्न है कि बालवाक्स के लैंगिक जनन में प्लेकिया स्टोस स्टेज होती है, तो प्लेकिया स्टेज क्या होती है, एट सेल्ड होती है, यानी आठ कोशिकी होती है। अगला पॉलीहेड्रॉन लैंगिक जनन में पाया जाता है, उत्तर हो जाएगा कारा, ठीक है। तो देखिए कारा से बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन बने हैं, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कारा पढ़िए। अगला प्रश्न है कि एनुडोगोनियम सेल हैज टू एपिकल कैप, इट मींस सेल हैव डिवाइडेड, यानी एक उडोगोनियम कोशिका में दो एपिकैपल कैप्स है, इसका मतलब कोशिक विभाजन हुई है, कितनी बार हुई है, पांच बार हुई है। अगला है कि गंग्रसिरा अवस्था देखी जाती है, तो उत्तर हो जाएगा बाउचीरिया में देखी जाती है। अगला है कि उडोगोनियम में नैनेंड्रियम विकसित होता है, क्या हो जाएगा, एंड्रोस्पोर में नैनेंड्रियम विकसित होता है। अगला प्रश्न है कि बाउचेरिया का सिनोजोस्पोर है, बाउचेरिया का सिनोजोस्पोर है बहु कशाभिकीय। अगला प्रश्न ग्रांगोशिरा अवस्था लैंगिक जनन के दौरान दिखाई पड़ती है, तो किस में दिखाई पड़ती है, बाउचेरिया में दिखाई पड़ती है। अगला इक्टोकार्पस में आइसोमॉर्फिक पीढ़ी एकांतरण होता है, कोश क्योंकि शारीरिक समानता होती है, तो उत्तर हो जाएगा नंबर बी, एक कोष्ठीय तथा बहुकोष्ठीय बीजाणुधानी के चल बीजाणुओं में। अगला प्रश्न है कि सिस्टोकार्प बनता है, सिस्टोकार्प कैसे बनता है, पॉलीसाइफोनिया में। अगला प्रश्न हो जाएगा रेड रस्ट रोग चाय में होता है, किसके द्वारा होता है, तो सिफेल्यूरोस, ठीक है, के द्वारा होता है। अगला है कि रेक्सिया के परिपक्व थैलस में जननांग विकसित होते हैं, किस में होते हैं, वेंट्रल सतह पर, ठीक है। अगला है कि मार्केंसिया में जीमाकप पाए जाते हैं, जीमाकप कहाँ पाए जाते हैं, तो थैलस के डॉर्सल सरफेस पर। अगला प्रश्न कुछ प्रजातियों को छोड़कर अधिकांश शैवाल के कवक साथी होते हैं, ठीक है, तो इसमें उत्तर हो जाएगा बेफिडियो माइकोटा, ठीक है। अगला प्रश्न है आभासी शैवाल, ठीक है, आभासी शैवाल की विशेषता है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी आभासी शैवाल की विशेषता है। अगला प्रश्न है कि लैंगिक जनन नहीं पाया जाता है, तो मिक्सोफाइसी में लैंगिक जनन नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा पॉलीसाइफोनिया में पीढ़ी एकांतरण होता है, ठीक है ना, तो इसमें देख लेते हैं क्या होगा, पॉलीसाइफोनिया में पीढ़ी एकांतरण है, तो उत्तर हो जाएगा डिप्लोबायोन्टिक, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि कैल्शियम की पपड़ी जमना तथा लार्वा नाशक गुण पाए जाते हैं, किसमें पाते हैं, डाई एटम में पाए जाते हैं। अगला हो जाएगा कि लाल शैवाल में अर्धसूत्री विभाजन का स्थान है, तो क्या हो जाएगा, कार्पोस्पोरेंजियम, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मछलियों के निधन के लिए जिम्मेदार हो सकता है, तो जिम्मेदार कौन हो सकता है, दोनों, ऊपर वाले दोनों जिम्मेदार हो सकते
हैं। अगला प्रश्न है, स्यूडोई लेटरल के बेलनाकार कैप्सूल उपस्थित होते हैं, तो उत्तर हो जाएगा एंथोफियोस में उपस्थित होते हैं। जेमा कब पाए जाने वाले जेमा होते हैं, क्या होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। अगला क्या है, ड्वार्फ मेल पाया जाता है, तो किसमें, एडोगोनिया में पाया जाता है। अगला है कि कूट शाखन पाया जाता है, तो कूट शाखन किसमें पाया जाता है, फाइटोनीमा में पाया जाता है। अगला है कि नाइट्रोजन युक्त खाद्य संग्रह पाए जाते हैं, तो किसमें पाए जाते हैं, नीलीहरी शैवाल में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसमें हेटरोट्राइका स्वभाव पाया जाता है, तो क्या हो जाएगा, यूलोथ्रिक्स में हेटरोट्रॉपिक स्वभाव पाया जाता है। ठीक है, अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि लास्ट कुछ प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑसिलेटोरिया संबंधित नहीं है, तो हो जाएगा चल बीजाणु से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित समुद्री शैवालों में किसे कैल्प कहते हैं, तो उत्तर हो जाएगा लैमिनेरिया कहते हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग धूप हवन सामग्री बनाने में किया जाता है, तो शैवालों का प्रयोग धूप हवन सामग्री बनाने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से संरचना शैवाल में नहीं मिलती है, तो क्या हो जाएगा, क्रोजियर। ठीक है, अगला प्रश्न है कि संपुटिका का जनन भाग होता है, क्या होता है, थीका होता है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि ब्रायोफाइट्स में बीजाणु उद्भिद का विकास होता है, किसमें होता है, स्त्रीधानी के अंदर। तो दोस्तों ये सारे थे आपके पूरे क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन हो गए हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और अपनी आंसर शीट मिला लीजिएगा। अगर आपके क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सही हो रहे हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, सर मेरे इतने क्वेश्चन सही हुए हैं। थैंक यू दोस्तों।